हेलो गाइज, नमस्कार। तो आज हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में आपकी समझ भी विकसित करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सम्राट अशोक का कला संस्कृति पे या समाज पे या धर्म पे या राजनीति पे क्या प्रभाव रहा। इन सारे पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो या हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है तो उम्मीद रहेगा कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे या कमेंट करके बताएंगे कि हमें ये चीज़ समझ में आया और ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, राजा अशोक जो है या किंग अशोक को हम लोग सम्राट अशोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो शासन प्रणाली है या इनका जो काम करने का तरीका है या इनका जो प्रभाव है वो भारत पे बहुत लंबे टाइम तक रहा, और इसके कारण हम लोग जो है सो इनको बोलते हैं कि यह एक चक्रवर्ती सम्राट थे, या यूं कहें कि इन्होंने जो काम किया बहुत ही एक अव्वल दर्जे के कार्य कहा जाएगा कलिंगा युद्ध के बाद में। तो सम्राट अशोक को, चूंकि देखिए, और एक सबसे बड़ी विडंबना ये हमारे यहाँ की है कि सम्राट अशोक इतना बड़ा सम्राट रहते हुए भी भारत देश में अंग्रेजों ने बताया कि एक ऐसा सम्राट था और हमारी अपनी हिस्ट्री खत्म हो चुकी, या हमारी अपनी हिस्ट्री नहीं थी कि जब उसके शिलालेख को पढ़ा गया तो पता चला कि सम्राट अशोक नाम का कोई व्यक्ति भी था। तो अशोक के बारे में, इसका जो शासन काल है 268 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है, कोई फिक्स नहीं है। और यह जो है सो इस टाइम पे मौर्य काल सबसे टॉप पे था, और अशोक को विशेष रूप से धर्म परिवर्तन या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही जाना जाता है। और श्रीलंका में आज जो बौद्ध धर्म है ये अशोक की ही देन है। तो अशोक की राज्य की बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर के और श्रीलंका तक फैला हुआ था। प्रारंभिक जीवन की अगर इसके बात करोगे तो इसका जन्म 304 ईसा पूर्व में होता है, और इसके पिता जो है सो बिंदुसार थे, और इसकी माता आपको शुभ्रदांगी थी। ठीक है, बिंदुसार के कई पुत्र थे जिसमें से एक तरह से एक अशोक भी था, और इसकी शिक्षा बहुत अच्छी हुई थी। उसके अलावा इसका जो 268 ईस्वी में जब इससे सत्ता संभालता है तो इसके भाई के साथ इसकी काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती है। उसमें से सबसे बुरा लड़ाई कहा जाएगा तो 261 ईसा पूर्व में था, जो कि लगभग यहाँ पे 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग निर्वासित हुए थे। और यहाँ पे अशोक को अपने कर्मों से पछतावा होता है, उसके बाद वो क्या करता है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। अशोक के धर्म की बात किया जाए तो यह एक आचार संहिता, नैतिक आचार संहिता, जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा और सभी जो दया की बात करता है। और ये जो है अपने राज्य में धर्म महामंत्रों या कि धर्म पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति करता है, और अशोक धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, ग्रीस और मिस्र जैसे देशों तक लेके गया, और इन्हें धर्म को प्रचार करने स्तंभों का निर्माण किया, जिसमें से 14 मुख्य स्तंभ हैं। और यहाँ पे धर्म का पालन, धार्मिक सहिष्णुता और न्याय की बात की गई है। तो अशोक का जो प्रयास था, यहाँ पे अशोक ने इतना बड़ा प्रयास किया लेकिन उसने अपने सेना को कभी हटाया नहीं। तो वो एक्चुअल में धर्म के थ्रू जो है सो गया राज्य का विस्तार करने के लिए, वो किया भी है, लेकिन सेना बैकअप में थी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और चूंकि उसका जो धर्म प्रचार करने का जो तरीका था और बौद्ध धर्म जो था, ये दोनों में अंतर है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बौद्ध धर्म और अशोक का जो धर्म है दोनों सेम है। नहीं, सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। बौद्ध धर्म एक जीरो लाइन पे जाके काम करता है, और ये जो है समाज के लिए काम कर रहा है। अशोक का शासन काल और प्रशासन की बात कीजिएगा तो यहाँ सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधारों को ये बढ़ावा देता है। ये हमेशा जो है सो एक ग्रुप बनाता है 5-6 लोगों का जो काम करते हैं। साम्राज्य को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, और प्रशासन के लिए स्थानीय अधिकारी नियुक्त की गई थी। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा की सेवाओं में विकास, सड़क, कुआं और धर्मशालाओं का निर्माण होता है। मृत्यु के बाद में जो है साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है, 232 ईसा में मृत्यु हुई है। उसके बाद में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार को चल रहा था, लेकिन नहीं युद्ध लड़ने के कारण, जो इसका ये इफेक्ट बताया जाता है कि बौद्ध धर्म के अपनाने और युद्ध को नहीं लड़ने के कारण ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। यूं कहिए कि मौर्य साम्राज्य जो टॉप पे था उसकी एक गलती के कारण मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। यूं कहिए कि जो उत्तराधिकारी थे उस लायक नहीं थे कि उस साम्राज्य को संभाल पाते, और साम्राज्य इतना विस्तार था, बंद हो जाता है, और जो है सो धीरे धीरे फिर वो टूटते चला जाता है। तो अशोक और आधुनिक भारत के बारे में हम आपसे चर्चा करें, अशोक भारत के इतिहास में एक आदर्श शासक के रूप में लिया जाता है, और अकबर भी उन्हीं को फॉलो किया था। इनका जो धर्मचक्र या धर्म का फैलाव था, जो सारा था, सामने आने वाला प्रतीक रूप में अंकित है, और साबित किए गए इनके नैतिक धार्मिक उपदेश आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं उससे कुछ वैल्यू है, कुछ मूल्य है।
तो जो खास कर यूपीएससी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक का धर्म से आप क्या शिक्षा लेते हैं, क्या आज समाज में उपयोगी है या नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो नैतिक चीजें हैं उसको आप सहारा ले करके और आगे बढ़ सकते हैं कि नैतिक है।